ताजमहल सातवें अजूबे में आता है हम सभी को मालूम है। शाहजहाँ की 7 रानियाँ थीं, पर उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम उनकी 7वीं रानी मुमताज से था। मुमताज के 14 बच्चे हुए, उन्हीं में से एक औरंगजेब था। औरंगजेब उनकी 6ठी संतान थी। 17 जून 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब वो 19 साल की थी तब शाहजहाँ से उनकी शादी हुई और 38 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुमताज के मरने के बाद शाहजहाँ को बेहद दुख हुआ। वो मुमताज से बेहद प्रेम करते थे, तो 1631 में ही मुमताज की यादों में उन्होंने मुमताज महल बनाने का सोचा, जिसे आज हम सब ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ और 1648 में बनकर तैयार हो गया। आज हम जानेंगे 5 ऐसी बातें जो ताजमहल को एक अजूबा बनाता है। हम सब सुनते हुए आ रहे हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, पर इस बात का सबूत कहीं भी नहीं मिलता। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि शाहजहाँ ने जिंदगी भर के लिए सभी कारीगरों को खरीद लिया था और उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था जिसमें लिखा था कि अब से वो कुछ भी नहीं बनाएंगे और ताजमहल जैसा तो कभी भी नहीं बनाएंगे। नंबर 2, हजारों टूरिस्ट जिस ताज को देखते हैं वो ताज महल का पिछला हिस्सा है। सामने का दरवाज़ा नदी के उस पार है और जो ताजमहल के 4 मीनार हैं उन्हें जानबूझकर बाहर की तरफ रखा गया है ताकि भूकंप आने पर वो अगर गिर भी जाए तो वो बाहर गिरे और महल को कुछ भी नुकसान ना हो। नंबर 3, इंडियन गवर्नमेंट ताजमहल से हर साल 70 से 80 करोड़ रुपए कमाती है। हर साल 5 लाख टूरिस्ट इसे देखने आते हैं, जिसमें से 1 लाख फॉरेनर्स होते हैं। अगर हम ताजमहल के टिकट की बात करें तो इंडियन लोगों को ये 80 रुपये में मिलता है, वहीं विदेशी टूरिस्ट के लिए 1200 रुपये टिकट का प्राइस है। नंबर 4, ताजमहल के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसमें जो हीरे मोती जड़े हुए हैं वो चाइना, अफगानिस्तान, तिब्बत, पंजाब, श्रीलंका और अरब से लाया गया है। ऐसे ही 28 हीरे मोती सफ़ेद संगमरमर में जड़े हुए हैं। सभी हीरे मोती को लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 5, ताजमहल के जैसा इमारत बनाना अब नामुमकिन है। इसे बनाने के लिए 20,000 लोग दिन भर लगे हुए रहते हैं और दुनिया के तमाम माहिर कारीगरों को लाया गया था इसे बनाने के लिए। अगर अभी इसकी कीमत को देखा जाए तो वो होता है 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपये। इमारत में एक राजा ने अपने दिल को रखा है। इसकी बुनियाद एक प्रेम कहानी को दिखाती है।